सिंदूर लाल किरारो गजनु तो चंदी लाल विराजे जुगलोरी हर को आदमी गुड़ लड्डू पानी सुरवर को महिमा कहीं जाए लागर हो कब को जय ही गणराज विद्या सुखदाता स्वामी सुखदाता धन्य कुमार सुखदाता स्वामी सुखदाता धन्य कुमार दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से जो तू शरणागत आवे संकट संपत सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मको अति भावे जो सावी नंदना निस्दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय सु गणराज विद्या सुखदाता ओ स्वामी सुखदाता धन्य कुमार दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव लो तो पूजन केल्या बीजा क्षण मंत्रे अष्टैः सिद्धी नवधि विदेशी क्षण मात्रे जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति तुझे गुण वर्णाया मज कैसी स्तुति जय देव जय देव तुझे धार निरंतर जय कोणी करती त्यांची सकल ही पापे विघ्ने ही हरती वाजी वाराणसी विका सुत सेवक सुत युवती सर्व ही पाऊनी अंति भवसागर तरती जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति तुझे गुण वर्णाया मज कैसी स्फूर्ति जय देव जय देव शरणागत सर्वस्वे भजती तव चरणी कीर्तितयांची राहे जोवर शशी तरे स्मरणी जय देव जय देव जय तुझे गुण वर्णाया मज कैसी स्फूर्ति जय देव जय देव विखराया ब्रह्मांडी माळा लावण्य सुंदर मस्तकी बामा बेल्लारा जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वारू भावाती ओ वारू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पैकेले श्यामा जी अवचित हर हर देव ठरे सुरपणे प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय श्री शंकरा जय देव जय देव व्याघ्राबर फणिवर्धन सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटी से भी
चरणा वारुनिया विघ्ने वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना रक्षुनिया सर्वा रक्षुनिवा सर्वा द्यावी आम्हासी आज्ञा होता जाहले भजना मी नमितो तव चरणा वारुनिया विघ्ने आता एकची देवा आता एकची तारुनिया सकळा तारुनिया सकळा आम्हा कृपा दृष्टी पाहे होता जाहले भजना मी नमितो तव चरणा आम्ही नमितो तव चरणा वारुनिया विघ्ने वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना जेव्हा सर्व आम्ही मिळू ऐशाया ठाया देवा ऐशाया ठाया प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ती गावया हो आता जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा वारुनिया विघ्ने वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना एक दो तीन चार ओम राजादि राजाय प्रसय्य साधिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामन कामाय मह्यम आमेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबे राज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम पौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयं समंत पर्याः ईस्य सार्वभौम सार्वायुष अंतार्धात पराधात ऋतिर्वै समुद्र पर्यंताय एकराळीति तदप्येष श्लोको विवितो मरुत
आई थिंक 10 दिन जब आपा आते हैं तो आप देखोगे कि पूरे शहर का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, अलग वाइब होती है, एक अलग ऑरा होता है। इवन वैसी सेट पर एक अलग पॉजिटिविटी थी इन 10-11 दिनों के लिए। सब आते थे तो पहले बापा के पास जाते थे, सिर झुकाते थे, हल्दी कुमकुम चढ़ाते थे, आशीर्वाद मांगते थे। अब ऑफकोर्स कल सब आएंगे तो सबसे पहले आई थिंक वो जो जगह है जो डेकोरेटेड है उसे खाली देके सब मिस करने वाले हैं, बट यही ज़िंदगी का रूल है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये जाते और अगले साल फिर आते, जल्दी से आते। सो बस अगले साल का वेट करेंगे। अगले साल थोड़ा लेट आ रहे हैं, आई थिंक सितंबर एंड में आ रहे हैं। लास्ट ईयर जब पापा चले गए आई थिंक हर साल पापा ऐसे जोरों शोरों से आ रहे थे, बस हम एक दूसरे के घर नहीं जा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। एंड आई थिंक वो भी ज़रूरी था हमारी ह्यूमन रेस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए, इवन जन्माष्टमी हर किसी ने अपने अपने घर पे जो रिचुअलिस्टिक वे है उस वे में सेलिब्रेट किए। जो प्रोपोगंडा और आउट ऑफ प्रपोर्शन चीज़ें जो की जाती है आई थिंक वो नहीं की गई थी, बट बाकी आई थिंक दिल से वही श्रद्धा सबके अंदर थी और वैसे ही सेलिब्रेट किया जा रहा था। आप क्या कहना चाहोगे? बट हाँ, इस ईयर कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग था। मेरी तो पहली गणपति है बॉम्बे की, तो यार रियली एंजॉयड, अलग ही वाइब होती है। और मैंने सारे पंडाल देखे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लालबाग नहीं जा पाई, बट आई विश मैं नेक्स्ट ईयर जा पाऊँ। बट ठीक है, पप्पा कहीं भी हो आशीर्वाद तो मिलता रहता है। जाना चाहेंगे ये शो दोनों का पहला राजमशाही के यहाँ पर गणपति था इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? इस साल आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा मज़ा है। मतलब आई थिंक इस साल मैंने 4 गणपति विसर्जन अटेंड कर लिए। मतलब एक तो मेरे खुद के घर का, एक मेरी पुरानी बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ 5 दिन के होते हैं, एक दोस्त के घर, और ये आई थिंक 4th खुद अपने हाथों से विसर्जन किया है। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, थैंक यू।